किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, फल ड्रॉपिंग की जो समस्या है उसके ऊपर हमने अभी पार्ट वन डाला हुआ है, तो आज पार्ट टू में मैं सारी डिटेल आपको देने जा रहा हूं। आप अगर यह चीज़ आपके फार्म पर करते हैं तो अभी फिलहाल में यह समस्या का समाधान तो नहीं होगा, पर आगे चलकर 100% होगा, यह हमारा अनुभव है। हमने हमारे फार्म पर जो किया है वह आपसे साझा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं और मैं बार बार इसीलिए प्राकृतिक खेती की बात किया करता हूँ। केवल जो भी टेंशन है वह टेंशन वाला काम यहाँ पर हो रहा है कि आपको रासायनिक केमिकल पर विश्वास है, ऊपर वाले के सिस्टम पर विश्वास नहीं है। इसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो में डाला हुआ है कि आप प्रकृति के सिस्टम को समझे, ऊपर वाले के सिस्टम को समझे, तभी आप प्राकृतिक खेती 100% फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने राज राजेश्वर दीदी जी, जो मेरी गुरु माता है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आए हैं, उनके बारे में आपको बताया है। आप उनको कंटिन्यू रखें, हर रोज़ 1 से 2 वीडियो देखते रहें, उससे आपको मन के अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा। जो आपके अंदर डर है प्राकृतिक खेती करने का, वह डर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है और उस पर हमारा एक अटूट विश्वास हो जाता है, तभी हम उसे खुले मन से कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैंने मेरे फार्म पर राज दीदी से जुड़ने के बाद मुझे जब सारे सूत्र समझ में आए, प्रकृति का सिस्टम कैसे काम करता है, तो मैंने इसे मेरे जीवन पर फॉलो किया और उसके बाद में मेरे जीवन में बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मैंने देखे। आप जो मैं कर रहा हूँ वह मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत ही बार आपको बताया हुआ है। किसान भाइयों, आप देखो, हमारे यहाँ कचरा आपको पूरी ज़मीन के अंदर मिलेगा और इस पर हमारा विशेष ध्यान है। इसमें हम जो कचरा डाल रहे हैं वह कंपोस्ट खाद बनता रहता है। आप इसमें यहाँ देख सकते हो, ज़मीन के अंदर अनगिनत होल बने हुए हैं और यह होल देसी केंचुए का कमाल है। किसान भाइयों, देसी केंचुआ किसान के खेत में पहले से ही पर्याप्त है, केवल जहाँ पर रासायनिक केमिकल चल रहा है वहाँ वह समाधि में गया हुआ है। उसे ऊपर वाले ने 2 वरदान दिए हुए हैं, चाहे तो वो समाधि में रहेगा, चाहे वो रात दिन खेत पर काम करेगा। और किसान भाइयों, जहाँ रासायनिक केमिकल खेती हो रही है वहाँ देसी केंचुआ कभी काम नहीं करता। आपको जो अगर कुछ केंचुए दिख रहे हैं तो वह देसी केंचुआ नहीं है। आप देसी केंचुए को अगर आपको काम पे लगाना है तो आपको खेत के ऊपर कचरे की मल्चिंग डालनी रहेगी, उसके ऊपर जीवामृत डालना पड़ेगा। और देसी केंचुआ समाधि से कैसे जागता है, मैं आज उस पर बात करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, देसी केंचुआ जब हमारे खेत पर ह्यूमस की उत्पत्ति होती है तो उसकी खुशबू से वह समाधि से जागता है। और ह्यूमस की उत्पत्ति करने के लिए हमें कार्बन और जैविक नाइट्रोजन का एक रेशियो तैयार करना रहता है। किसान भाइयों, 10 किलो कार्बन और 1 किलो जैविक नाइट्रोजन जब यह मिलते हैं तो ह्यूमस की उत्पत्ति होती है और उसी ह्यूमस से देसी केंचुआ समाधि से जागता है और रात दिन हमारे खेत में जोताई का काम करता है। किसान भाइयों, जहाँ तक मेरी जानकारी में आए, 2-2.5 फीट के नीचे, ऐसे तो 6-8 इंची के नीचे ही माइक्रोन्यूटन NPK पर्याप्त मात्रा में है, जिसे हम महासागर कह सकते हैं, तो उसे देसी केंचुआ ऊपर लाने का काम करता है। जो अभी हम हमारे खेत पर DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, ज़माने भर के माइक्रोन्यूटन मार्केट से ला कर डाल रहे हैं, इनकी हमारे खेत पर कोई ज़रूरत नहीं। हमें केवल देसी केंचुए को कैसे काम पर लगाना है उस पर विशेष ध्यान देना है, कचरे की मल्चिंग डालना है। किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा खेत पर कचरा डालो और जैविक नाइट्रोजन की अपने खेत पर तैयार करने के लिए हमें अंतर प्रवाही फसलों की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके फार्म पर जो किसान भाई नए फार्म डेवलप कर रहे हैं, आप बीच में दलहनी फसलों का चयन करें, उसमें मूंग है, उड़द है, तुअर है, और नवंबर दिसंबर में आप देसी चना बोकर भी जैविक नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में अपने खेत पर तैयार कर सकते हैं। और जो आप कचरा डालेंगे उसके ऊपर जीवामृत डालेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, उससे कार्बन भी तैयार होता रहेगा।
किसान भाइयों, अभी हमारे डॉक्टर किशन चंद्रा जी ने एक नया वाला वेस्ट डिकम्पोजर लॉन्च किया है। उसमें उन्होंने कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी डेवलप किए हैं और वह उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा काम किया है, इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब 36 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हमारी ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में उड़ने लग जाता है। तो किशन चंद्रा जी ने एक ऐसे बैक्टीरिया को लॉन्च कर दिया है वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कि वह कार्बन को फिक्स करके ज़मीन के अंदर रखेगा, इसे उत्सर्जन नहीं होने देगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वेस्ट डिकम्पोजर को भी डालें। किसान भाइयों, यह जब ऑटोमेटिक सिस्टम हम हमारे खेत पर लागू कर देते हैं, शुरू में एक दो साल की मेहनत है। अगर आप फार्म डेवलप कर रहे हैं तो मैं तो यह कहूँगा कि आप अपने आप को झोंक दो, दो साल के लिए कड़ी मेहनत कर दो। जो हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए उसे बहुत ही ज़्यादा तादाद में करो। यह मत सोचो, कोई हिसाब किताब मत रखो कि मुझे 200 लीटर ही वेस्ट डिकम्पोजर डालना है, जीवामृत डालना है। आप इसे अनलिमिटेड डालो। मैंने मेरे फार्म पर अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से डालकर रिजल्ट लिए हुए हैं। 1 लीटर से लगाकर 15-15 लीटर एक एक प्लांट के अंदर डाला हुआ है और जहां पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डाला उसके एक बेहतरीन रिजल्ट आए। इसलिए आप विशेषकर प्राकृतिक खेती की ओर आए। रासायनिक केमिकल खेती में आप ज़्यादा फल सेड नहीं कर सकते, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते और आउट सीजन तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है, आउट सीजन में बढ़िया फसल लेनी है, तो आपको प्राकृतिक खेती ही करनी होगी। प्रकृति के सिस्टम में रहकर ही यह काम संभव हो सकता है। और भी हम जो थिनिंग करेंगे आगे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।